हेलो, फॉर एग्जांपल अगर आ जाए, मान लो डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, राइट डाउन हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, जल्दी। इथाइल क्लोराइड C2H5 एंड क्लोरोबेंजीन एंड यू हैव टू डिस्टिंग्विश इट विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट। अब आपको एमसीक्यू में बेटे इस वे में तो नहीं आएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पीपीटी दे रहा है AgCl के साथ, AgNO3 के साथ एक नहीं दे रहा, तो आप बताओ क्या हो सकता है। एक्स एक्स आपका क्या है, ऐसा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले बेटे इसको रिएक्ट करो KOH के साथ, जरा रिएक्ट करो KOH के साथ। इथाइल क्लोराइड को KOH के साथ रिएक्ट कर सकते हो, क्या रख एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपका, और साथ में क्या बनाना है, दोनों बनाने, बनाओ जल्दी। अगर क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करोगे तो बनेगा, कुछ भी नहीं होगा क्लोरोबेंजीन के साथ, क्योंकि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाती नहीं है। आपको डाउस प्रोसेस करना पड़ा था 600 से वक्त टेम्परेचर लेके, 300 एटमोसफियर प्रेशर देके, तब जाके ये रिएक्ट करी थी KOH के साथ या NaOH के साथ। अगर सिंपल लैब में आप क्लोरोबेंजीन में QH डाल दोगे ये रिएक्ट ही नहीं करेगी। अब डाउस प्रोसेस तो हम करने नहीं वाले, ठीक है। तो ये तो KOH के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी, मगर ये KOH के साथ रिएक्ट करके आपको देगी एल्कोहल एंड KCl, ठीक है। कितने रीजन करे थे व्हाई हेलोरीन डजंट गो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसके लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर है, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट ही नहीं सकता। अगर ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूट सकता तो OH कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा ये SP2 हाइब्रिडाइज्ड है, तीसरा इसमें पोलैरिटी कम है, फोर्थ वन अगर बाय चांस Cl निकल भी जाए तो फिनाइल कार्बो के टाइम स्टेबल ही नहीं है। फोर फोर रीजन करी इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या इसके साथ इसको रिप्लेस कर दे बेटे, हमने एक डाउस प्रोसेस नहीं किया था, क्या किया था उसमें, हमने NaOH को रिएक्ट करवाया था, वैसे हम KOH को भी रिएक्ट करवा सकते हैं, दोनों ही बेस है, मगर हमें कंडीशन बहुत ड्रास्टिक देनी पड़ती है। 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमोसफियर प्रेशर, तब फिनॉक्साइड जाके बनता है, उसके बाद डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हो तब जाके आपके पास फिनॉल बनती है। याद आ गया, डायरेक्टली बेटे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे तीन तीन, इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे उसके ऊपर, तब वाटर डाल के वार्म करोगे रिएक्ट हो जाएगा, या अमीन ग्रुप लेके आ सकते हो अमोनिया कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में,
या कॉपर साइनाइड की प्रेजेंस में साइनाइड ग्रुप लेके आ सकते हो, तीन ही सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं है, ये नहीं जाता जल्दी से। हेलो एल्केन की आपने ढेरों ढेरों रिएक्शन करी है, ढेरों। समझ आ गई? करें बागे आप बेटे, जब आप KOH के साथ रिएक्ट कर देते हो तो अल्कोहल और KCl बनता है। अब इसको एसिडिफाई किया जाता है, उसके बाद इसमें AgNO3 ऐड किया जाता है, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। टेस्ट का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट बनाओ, चलो बना दिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, फिर प्लस KCl करो, AgNO3 प्लस KCl। ये जो KCl बना है उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करो तो क्या बनेगा आर्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करो क्लास 10। क्या क्या बना है? AgCl एंड KNO3। AgCl बेटे व्हाइट पीपीटी होते हैं, तभी तो ये टेस्ट है। AgCl प्लस KNO3 ये जो बनते हैं, दिस इज वाइट पीपीटी। तो अगर आपने क्लोरोबेंजीन को किसी भी हेलो एल्केन से डिस्टिंग्विश करना हो तो हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें AgCl के वाइट पीपीटी आते हैं। समझ आ गई? अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन को डिस्टिंग्विश करो क्लोरोबेंजीन से, तो कैसे करोगे? वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन को डिस्टिंग्विश करो क्लोरोबेंजीन से। वो नहीं करेगा एंड क्लोरो साइक्लो जो हेक्सेन है वो कर जाएगा, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है। रिंग के अंदर देख लेना, कोई लाइंस तो नहीं लगी हुई? समझ आ गई? ये मत समझना रिंग बनी है ऊपर क्लोरीन है, इसने तो रिएक्ट नहीं करना। अकेली रिंग बनी हो और ये ना लगा हो तो रिएक्ट करेगा। इनको यही नहीं पता? ऐसे ऐसे पढ़ाना पड़ता है इनको बच्चों की तरह। अब सेकंड टेस्ट देखो, आपसे पूछा जा सकता है हाउ यू विल डिस्टिंग्विश इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। अब हाउ यू विल डिस्टिंग्विश नहीं आएगा, अगेन एमसीक्यू है। वन कंपाउंड गिविंग द येलो पीपीटी, अदर वन इज गिविंग व्हाइट पीपीटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ नहीं किया आपने, चलो बनाओ। सेम ये दो रिएक्शन करी हुई है, अब यहाँ पे C2H5Br ले लो, एक रिएक्शन ये लिखो, चलो अपने आप लिखो। अरे आप यहाँ पे लिखो बेटे C2H5Br प्लस KOH, सारा जो मैंने अभी किया वो सारा सेम करो अपने आप। हरी अब Cl तो बनाना है हमें, AgCl वाइट पीपीटी मिल जाएंगे। इस तरफ क्या मिलेगा बताओ जरा मुझे। इसमें क्या मिला है एंड में?
एंड में बताना है आपने मुझे, सिल्वर ब्रोमाइड येलो था, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट था, सिल्वर ब्रोमाइड येलो है। बीच में ब्रोमीन लगा दी ना, सिल्वर ब्रोमाइड है तो येलो है, सिल्वर क्लोराइड है तो व्हाइट है। समझ आ गई कुछ? अब थोड़ा मैं प्रैक्टिकल के बारे में बताऊं। वैसे मैंने बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट करवाने थे पर हम ब्लैंक है प्रैक्टिकल्स में। क्यों नहीं है? आपने बेटे क्लास प्लस वन में टू टाइप के एक्सपेरिमेंट करे थे, एक को कहते हैं टाइट्रेशन और दूसरे को कहते हैं सॉल्ट एनालिसिस। टाइट्रेशन इसलिए की जाती है कि आपको एक की कॉन्सेंट्रेशन पता होती है और दूसरे की आपको निकालनी होती है। जैसे कि आपने सिंपल टाइट्रेशन करी, अब हम आगे बढ़ेंगे। वो सिंपल टाइट्रेशन में आपने टाइट्रेट किया NaOH और HCl को, या किया एक चीज आपने देखो याद करो, ब्यूरेट में रखी थी एक टाइट्रेशन फ्लास्क में, जैसे किया था ऐसे आपकी ब्यूरेट थी। और नीचे आप टाइट्रेशन फ्लास्क रखते थे ऐसे, रखते थे। इसमें आप एसिड फिल कर देते थे, इधर आप बेस डालते थे। और बेस के लिए हमने आपको मेजरिंग सिलेंडर प्रोवाइड करवाए थे कोरोना की वजह से, अदरवाइज हमेशा टाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ पिपेट की जाता है, जिसमें आपने 20 ml बेस पोर करते थे, 20 ml। ठीक है, अब इसमें इंडिकेटर डाला जाता था फिनोफ्थलीन। एक ड्रॉप तो बेस का कलर हो जाता था पिंक। अब देखो बचपन से ये रिएक्शन करते आ रहे हो बेटे, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बचपन है, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर, ये क्या रिएक्शन है? ठीक है, अब जितना कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि OH नेगेटिव ने कितने आयन्स देने हैं उतने ही वो H पॉजिटिव देगा। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है जितनी होगी उतनी उसकी होगी। मान लो ये आपका 1 मोलर है और दूसरे की निकालनी है तो 1 मोलर 5 मोलर डिपेंडिंग कितनी आ सकती है, हमने मोलैरिटी निकालनी है। अब बेस में फिनोफ्थलीन तब तक कलर शो कर रहा है जब तक आपके टाइट्रेशन फ्लास्क में अकेला बेस है। समझ आ रही है? जब आपने एसिड ऐड करना शुरू किया, जब एसिड बेस से कंप्लीटली रिएक्ट कर गया तो वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता। मान लो आपकी रीडिंग 1 है, आपकी रीडिंग 20 तक ये यूज हो गया और ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। हो गया, इसका मतलब अब ये बेस है ये कंप्लीटली रिएक्ट कर गया एसिड से। जो ऊपर डाल रहे हो एसिड डाल रहे हो, ये एसिड रिएक्ट करेगा इस बेस के साथ, क्योंकि फिनोफ्थलीन तो बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर दे रहा है। जब बेस ही नहीं रहा, रिएक्शन हो गई, तो क्या कलर देगा? नहीं देगा। तो वो आपका एंड पॉइंट होता है, पिंक टू कलरलेस एंड पॉइंट होता है। समझ आ रही है? दिमाग में आया? दिमाग में। अब हम ये निकालेंगे कि हमारा वॉल्यूम कितना यूज हुआ। अगर हम मोलैरिटी देखें तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर नंबर ऑफ मोल्स, इसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम आ जाएंगे। अब एक ही मोलैरिटी आपको गिवन है, मान लो मैंने ये बताया हुआ है आपको, ये 0.1 मोलर है NaOH। आपको इसका वॉल्यूम भी पता है 20 ml है,
आपने दूसरे की एसिड की मोलैरिटी निकालनी है, वॉल्यूम आपके साथ ये रीडिंग करके आ गया, ये रीडिंग से वॉल्यूम आया कि नहीं आया। मान लो आपने एक से शुरू किया पर 20 तक आ गया, तो ये भी 20 आ गया, आ गया। ये रीडिंग हमने 3 से 4 बारी लेनी होती है और कंकॉर्डेंट लेनी होती है। मीन नहीं निकालना होता, मीन अब आप प्लस वन में एक प्रिसीजन और एक्यूरेसी करते हो, जिसके हिसाब से एक जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर उसकी रीडिंग में वेरी, हमें तो पता है क्या रीडिंग आनी चाहिए, जो रीडिंग आनी चाहिए वो आप एक्यूरेट, हमें तो पता ही है ना, क्योंकि हमने आपको सॉल्यूशन बना के दिए, वो क्या, वो ऑब्जर्व, अब आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या देख रहे हो, हमने तो कैलकुलेशन करके बता दिया, दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू, आप कितने नियर हो, उसके बाद आप 3-4 रीडिंग में भी कितने नियर हो, आप कितनी प्रिसीजन से अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर एक बारी आपका 20 ml यूज हुआ, दूसरा बारी 20.5 सॉल्यूशन कोई चेंज हो के मिला आपको, तो 0.5 ml की क्यों वेरिएशन, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट यू आर नॉट कंडक्टिंग वेल। कंकॉर्डेंट का मतलब ये होता है बेटे, हम 3-4 रीडिंग लेते हैं, जो सेम आ जाए दो उठा लेते हैं, क्योंकि 0.1 में तो वेरिएशन आ ही जाती है बच्चों, ज्यादा बड़ी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए रीडिंग्स में। अब ये सिंपल टाइट्रेशन करते हैं, और प्लस वन में, प्लस टू में हम KMnO4 की टाइट्रेशन करते हैं, उसमें इंडिकेटर नहीं डालते, क्योंकि KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है। KMnO4 क्या है, सेल्फ इंडिकेटर, क्योंकि उसका खुद का कलर ही पर्पल है, खुद का कलर क्या है, पर्पल। आप KMnO4 लोगे, ठीक है, ब्यूरेट में, किसमें लोगे, यहां पे मैंने ब्यूरेट लिया, अब KMnO4 ना बेटे एक बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है ना, है ना, कितनी बारी हमने किया अल्कोहल को एसिड में, एसिडिफाइड KMnO4, तो आपके मोर सॉल्ट है, यहाँ पे क्या है, मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट में फेरस के आयंस होते हैं, KMnO4 फेरस को फेरिक में चेंज कर देता है, किसमें चेंज करता है, फेरस को फेरिक में। अब हमने एक लाइन बोलते हैं एसिडिफाइड KMnO4, तो हम यहाँ पे आपको मोर सॉल्ट सॉल्यूशन देंगे, आप डालोगे हाइड्रेशन में, उसमें एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हो, क्योंकि एसिडिफाई करना हमने, समझ आ गई। अब हम ऊपर से KMnO4 डाल रहे हैं, अब KMnO4 मोर सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो इसका कलर है वो जाता जाएगा, क्योंकि जो चीज रिएक्ट कर रही है वो अपना कलर क्यों शो करेगी, बात समझ रहे हो, अगर वो मोर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके उसको चेंज कर रही है फेरस टू फेरिक, मोर सॉल्ट में फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट है, जिसमें फेरस टू फेरिक होता है, ठीक है, अगर KMnO4 फेरस टू फेरिक कर रही है तो रिएक्ट कर रही है, जो चीज रिएक्ट कर रही है क्या वो अपना कलर देगी, नहीं देगी, फिर एक पॉइंट आएगा जब ये अपना कलर देना शुरू कर देगी, लाइट सा पिंक, क्यों, क्योंकि अब KMnO जो आपका अमोर सॉल्ट है वो पूरी की पूरी तरह रिएक्ट कर गया, अब KMnO4 अपना कलर देना शुरू करेगी, वो आपका एंड पॉइंट है, बात समझ आई। अब जब वो कलर देती है बेटे KMnO4, ये नहीं कि आपने डार्क पर्पल एंड पॉइंट लेके आ जाना जो ब्यूरेट में फिल है, क्योंकि जब आपने मोर सॉल्ट में KMnO4 सॉल्यूशन डाला है वो डाइल्यूट हो चुका है इस टाइम, तो अगर हल्का सा भी पिंक आ जाए ना, इसका मतलब वो आपका एंड पॉइंट है, कि अब KMnO4 ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, उसने सारे फेरस को फेरिक में चेंज कर दिया, समझ आ रही है। अब दूसरी आती है बेटे सॉल्ट एनालिसिस,
सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है दुनिया में कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आपको रेडिकल निकालने होते हैं। एक नमक नहीं है, सोडियम क्लोराइड नहीं है, नमक वो चीज है जो एक एसिड और बेस की रिएक्शन से बने, दैट इज अ सॉल्ट। समझ आ रही है? अब सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, ठीक, वन इज एसिडिक रेडिकल, वन इज बेसिक रेडिकल। एसिड रेडिकल जो एसिड से आया है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको कहते हैं एनायन, एनायनिक रेडिकल। ये होता है केटायनिक रेडिकल। मान लो मैं रिएक्शन कर रही हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से, मेरे पास सॉल्ट क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम किससे आया? बेस से, वो बेसिक रेडिकल हो गया। Cl कहां से आया? एसिड से, वो एसिडिक रेडिकल हो गया। समझ आ रही है? अब Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो ये एनायनिक रेडिकल हो गया। अब अमोनियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये कैटायनिक रेडिकल हो गया। हो गया? हमें पहले सॉल्ट मिलता है बेटे, किसी भी सॉल्ट की हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, हमें बुखार है, अब बुखार कुछ भी हो सकता है किसी भी कारण, वो आपकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, आपकी हार्ट रेट, आपकी थोड़ा थर्मोमीटर आके देख लेगा, कोई बीपी देख लेगा, बस इतना ही कुछ करेगा। दैट इज, हमें बीमारी की जड़ नहीं पता चलेगी, बस फीवर है, ठीक है। वैसे सॉल्ट की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, जनरली हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि कलर तो CBSE देने ही नहीं देती, और बाकियों के पास हम टाइम वेस्ट ही नहीं करते, सिर्फ एक फ्लेम टेस्ट लगा के दे देते बच्चे फटाफट, ठीक है। लिखना सारा कुछ होता है प्रीलिमिनरी में, आप कलर देखते हो, ठीक है। कलर में जैसे ब्लू कलर की हो तो हम कह देंगे कि कॉपर का सॉल्ट हो सकता है, रेड कलर हो तो हम कह सकते हैं कोबाल्ट का सॉल्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर हो तो निकल का भी हो सकता है, आयरन का हो सकता है, ये बुखार आया है इस वजह से आ सकता है, दैट इज अ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें कलर देखते हो, ऑर्डर देखते हो, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करते हो, चारकोल कैविटी टेस्ट करते हो, फ्लेम टेस्ट करते हो, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सिर्फ लिखने का काम करते हैं कि हमने नंबर लेने, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है जिसमें हमने 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो हम ट्रिक खेलना सीखते हैं कि फटाफट निकाल ले, लिख हम लेंगे अपने आप की। समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेटे एसिडिक रेडिकल, जो आप क्लास प्लस वन में निकाल चुके हो। मान लो मैं अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट दूं आज, कल लैब में आपको अमोनियम क्लोराइड दूं, आपको पता नहीं अमोनियम क्लोराइड, तो आपने निकालना होगा। तो पहले आप इसकी वेट, पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट आता है, उसके बाद आती है वेट एनालिसिस, क्या आती है उसमें आप पहले एसिडिक रेडिकल की करोगे, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं? उसमें 3 टेस्ट होते हैं। 1 टेस्ट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, 2nd टेस्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, एंड 3rd इज इंडिपेंडेंट। आपने सॉल्ट लिया, आर्यन आता कितने बजे? 9:40, तो अटेंडेंस नहीं मिली। आपने सॉल्ट लिया, ठीक है, उसमें अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, यू आर एडिंग डाइल्यूट